अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब जिंदगी में? और अभी इस टाइम हमारे दोपहर का वक्त हो चुका है। अब मैं सोकर उठा था तो अब मैं इंशाल्लाह हरम की तरफ को जाने लगा, आपको भी साथ लेकर चलता हूँ। और अभी मैं नीचे जा रहा था ग्राउंड फ्लोर पे, तो मुझे याद आया कि मैं कमरा लॉक करना और उसकी चाबी लेना भूल गया। तो वापस 8वें फ्लोर पर हम जाएँगे, चाबी लेंगे, लॉक करेंगे कमरा और फिर जाएँगे बाहर हरम की तरफ को। थोड़ा सा वक्त रह गया है, दिन हमारे जोहर में तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं, तो ज़्यादा अंदर तक तो नहीं हम जा सकेंगे। तो बाहर ही हमें मिलेगी जगह, इंशाल्लाह वहाँ ही नमाज अदा करेंगे। चल ले ली है और कमरा लॉक करें और फिर चलते हैं आगे। लॉक हो गया भाई, अभी आप सुन सकते हैं अजान शुरू हो चुकी है और तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं जमात में, बस चले हरम की तरफ को। और ये जो है ये कबूतर चौंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कबूतरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सब लोग आते हैं और इनको कबूतरों का बाजरा डालते हैं ताकि ये साले सवाब के लिए, और मैं भी बाजरा लेकर आया हूँ और भी काफ़ी ज़्यादा भी। अभी इसको इतना डालेंगे ताकि कुछ हम भी सवाब कमा लें। तो अभी आपके सामने इनको बाजरा डालते हैं। ये तो आह पे आते भी नहीं, इतने गजाया नहीं इनको, आह आह पे गजाया। और ये देखे, ये देखे, ये देखे बाजरा इनको दिया है और वो बाजरा खाएंगे भी। बिस्मिल्लाह, ये देखे जो है ना आगे ज़्यादा है, आगे चलते हैं, आगे भी देते हैं उनको, क्योंकि अक्सर ये देखें जितना ज़्यादा बंदे ने काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ है तो एक जगह पे इकट्ठा करना फिर मुनासिब नहीं है। हर जगह पे हैं तो आगे भी जाकर डालते हैं इनको, सारे खाएं, शाम को दोबारा आएंगे, शाम को दोबारा डाल देंगे। और ये तो ख़त्म हो गए, हमने काफ़ी ज़्यादा डाल दी और ये आखिरी रह गई हमारी आखिरी। और अभी चलते हैं फिर हरम की तरफ को। वो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा ही है, ये जो है ये मक्का क्लॉक टावर है और इसके बिल्कुल अपोजिट ही हरम शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे जाके नमाज़-ए-ज़ोहर को अदा करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कितना रश है। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी काफिलों के काफिले जा रहे हैं, उस हिसाब से ज़्यादा होंगे, काफ़ी लोग होंगे। जैसे फजर टाइम था ना, फजर टाइम तो बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि रोज़ लोग ना ज़्यादातर ईशा टाइम चले जाते हैं और फिर फजर पढ़कर ही वहाँ से ना वापस आते हैं हरम के अंदर से, खाना कबा के बिल्कुल तवाफ़ करके फिर सारी रात को फिर आते हैं। तो अभी चलते हैं आगे हरम को देखते हैं, फिर सबसे पहले जाके आबे ज़मज़म पिए, आबे ज़मज़म पीते हैं शफा इसके अंदर, जितना मर्जी पीते हैं। और फिर दवाई शवाई भी खाएं, क्योंकि कल से बहुत चले और टांगे पे खलियाँ पड़ गई हैं, उनको भी तोड़ना है। जो ये वाली साइड है, यहाँ पे ये मार्केट है, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, खजूरें, कोई हौजरी का सामान, कोई वो कपड़े पहनने वाले, इस तरह की चीज़ें। और वो जो आगे वहाँ परफ्यूम है और साथ यहाँ पर होटल है, और वो पिछली साइड पर वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं। और एक ये रास्ता है, अजान हो गई है, जमात खड़ी होने वाली है, एक ये रास्ता ये बंद किया, बस हम जा नहीं दे रहे मेरे ख्याल से। और एक ये रास्ता जाने के लिए, इस रास्ते से हम जाएंगे। और जमात खड़ी हो चुकी है, मैं सिर्फ हरम के पास पहुंच चुका हूं, तो फिर इंशाल्लाह असर के वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी नमाज अदा करके। जहर के बाद फिर वापस आ जाऊँगा होटल में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह असर टाइम हम दोबारा आएंगे हरम के अंदर चलेंगे इंशाल्लाह, तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपको मैं आपको मंजर दिखा देते हैं।